देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। फिर उसके बाद हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस किया था। अभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। इसको भी हम लोग कंपैरिजन में स्टडी करेंगे। कंपैरिजन में स्टडी करने से हम इसके पॉइंट्स को इजीली लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भी इसी तरह से स्टडी करेंगे कंपैरिजन के टर्म्स में। एंड डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया था, उसी टर्म्स में इसको स्टडी करते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसमें मैंने आपको ग्राफ का ओवरव्यू भी बताया था। और ये जो ग्राफ है इसके, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, वो ग्राफ अलग से भी आएंगे, अलग से भी एक टॉपिक है हमारे पास जिसमें हम लोग उनको स्टडी करेंगे। वो तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, स्पीड के लिए हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट यू, और यू कैन से दैट बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। ये स्पीड की डेफिनेशन हुई। और इस डेफिनेशन के बेस पर हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी? फोर्थ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होगा इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, मतलब सिर्फ एक वैल्यू होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटी इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। एंड फिफ्थ हमने इसमें डिस्कस करेंगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं, फिर इन सब पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन में लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय द ऑब्जेक्ट। बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंड द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, थर्ड वन, थर्ड इसका पॉइंट आएगा एसआई यूनिट। इसकी भी एसआई यूनिट हम लोग लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। इसमें भी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। फोर्थ, फोर्थ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक ऑब्जेक्ट पर सेकेंड, देखो पर यूनिट टाइम का मतलब होता है पर सेकेंड, पर आवर में या पर मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है स्पीड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसके लिए सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में उसने कितने डिस्टेंस कवर, जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा दैट इज स्पीड। तो इसी के बेस पर हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब आपको पर सेकेंड में बतानी है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इतने मीटर की डिस्टेंस इतने सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो पर सेकेंड इसकी स्पीड कितनी होगी। तो जब मैं बोलता हूँ पर सेकेंड इसकी स्पीड कितनी होगी, तो मैं स्पीड की, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इस एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। आप इसको स्पीड बोल सकते हैं या एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका एक एवरेज आएगा, क्योंकि
क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये डिस्टेंस कवर करने में इसको 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसकी स्पीड 20 हो, फिर उसकी स्पीड 30 होगी हो, फिर उसकी स्पीड 5 होगी हो, फिर 2 होगी हो, फिर 1 होगी हो, या बीच में 0 भी रही हो, सकता है बीच में रुका भी हो। तो इस 100 मीटर के डिस्टेंस में उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। उसकी स्पीड क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हम इस फॉर्मूला से स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो तो एवरेज स्पीड आएगी। देखो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, एवरेज स्पीड हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 100 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, सो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि वो हर एक सेकेंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर की डिस्टेंस चलता है, यही तो आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। हो सकता है उसकी स्पीड बीच में अलग अलग रही हो, एक्चुअल स्पीड उसकी डिफरेंट रही हो, लेकिन हमने तो क्या फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये तो यहां से यहां तक के बीच का बता रहा है कि ये तो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे हैं, कि हर सेकंड में 10 मीटर चल रहा होगा, तभी तो 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सो दिस इज द स्पीड। ओके, और डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाएगा उसको हम बोल देंगे वेलोसिटी, उसको बोल देंगे हम लोग वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, देखो इसमें सिर्फ यही चेंज करना है कि डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये हमारा एक ओरिजिन पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से ए पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर ए से बी पर जाता है, बी तक जाने में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस और ट्रेवल करता है, फिर बी से वापस ओ पे आता है, फिर ओ से अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक पॉइंट तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट पॉइंट इज सी। तो इस सी पॉइंट तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये कितनी डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बोल रहा हूं तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको हमने डिस्कस किया था। अब इस केस में, लास्ट वाले केस में, जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है, फिर बी से वापस ओ पे आता है, फिर ओ पर आने के बाद दोबारा सी पर जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहां से चलता है ओ से बी पर, बी से वापस ओ पर आता है, फिर सी पे जाता है, तब हमने इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताया था, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। ओ से कहीं पर भी गया वापिस ओ पर आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा कहां जा रहा है, लास्ट में सी पर जा रहा है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। स्टार्ट इसने यहां से किया था, घूम फिर के लास्ट में सी पर आ गया, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा था -20 किलोमीटर। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा था हमने, -20 किलोमीटर। -20 क्यों लिखा था, क्योंकि इस तरफ की जो डायरेक्शन थी वो सारी पॉजिटिव थी, और इधर वाली जो डायरेक्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट लास्ट टाइम किस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो इसमें आपको पजल नहीं होना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आपको सिंपली क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन वेलोसिटी की। और फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और यू कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आप इसको स्पीड बोलो या एवरेज स्पीड बोलो, एक ही बात है, इसको भी वेलोसिटी बोलेंगे या एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, एक ही बात, ये इसके फॉर्मूला है। ओके, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है, दोनों की यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, क्यों, उसका कारण क्या है, मीटर पर सेकंड होने का कारण क्या है, फॉर्मूला देखिए आप इसका क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूला से यूनिट बनाई जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये इसकी क्या बन गई, ये इसकी ऐसा यूनिट बन गई। ये मैंने आपको बताया भी था कि लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा
कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये सिर्फ इसके बारे में बताएगा। ओके, इसके बाद में वेलोसिटी पे आइए। वेलोसिटी में लिखा हुआ है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने बताया ना इसकी डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें ये भी बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड प्लस मैंने आपको बताया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड के साथ मैं आपको डायरेक्शन भी बता रहा हूं। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है क्या पता, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड्रेस करो, अगर आपको ये ध्यान है कि डिस्टेंस के बारे में हमने एक टेबल बनाई थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जिसने स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। रेज योर हैंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो पॉजिटिव हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो आ रहा है तो वेलोसिटी भी जीरो पॉसिबल है, लेकिन स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तभी हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, ट्रेवल करेगा, तभी हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे, और वो स्पीड हमेशा क्या होगी, वो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारे कार और बाइक्स के ऊपर कुछ मीटर्स लगे होते हैं, एक मीटर तो होता है स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताता है या वेलोसिटी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है क्या, 20 मीटर पर सेकंड से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आपको क्या नहीं बताता, वो आपको डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो सिर्फ आपको बताएगा कि आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि उस एग्जैक्ट टाइम पर आपकी स्पीड बताएगा, मतलब कि रियल टाइम स्पीड बताएगा, आप जब चल रहे हैं तो स्पीडोमीटर को देख रहे हैं, इस समय पर आपकी क्या स्पीड है, इस इंस्टेंट पे आपकी क्या स्पीड है, इस टाइम पे आपकी क्या स्पीड है, ये उसको बताता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, मतलब उस समय पर आप कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, या आप इसको बोल सकते हैं रियल टाइम स्पीड, इसको क्या बोल सकते हैं, रियल टाइम स्पीड। तो ये स्पीड बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहे हैं आप। ओके, नेक्स्ट जो मीटर होता है वो होता है ऑडोमीटर, ऑडोमीटर, ऑडोमीटर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू गिव द आंसर। यस, आदित्य गुप्ता, सर उसमें क्या जाता था, क्योंकि सर हैंड जैसे होते सर, उसमें क्या था, सबसे ऑन हैंड जैसा। आदित्य गुप्ता, ये वाला जो यस, दिव्यांशु शर्मा, सर वो डिस्टेंस बताएगा। यस, वेरी गुड। ओके, तो ऑडोमीटर जो होता है वो क्या बताता है, वो डिस्टेंस बताता है, वो बताता है कि आपका जो जर्नी थी वो कितने किलोमीटर्स की थी, किलोमीटर्स में या माइल्स में, जिसमें भी बताना चाहिए वो बता सकता है। ओके,
देखिए ऑडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को बताएगा, और डिस्टेंस जो है वो सिर्फ क्या होगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो बेसिकली क्या होता है ऑडोमीटर को, मैं आपको देखने का तरीका बता देता हूँ। उसमें इस तरह से नंबरिंग चलती है, अलग अलग डिजिट्स में होता है ये, जैसे मैं आपको 4 डिजिट तक का बता रहा हूँ, और लास्ट वाला जो होगा वो आपको मीटर्स के बारे में बताता है कि कितने मीटर की डिस्टेंस आप ट्रेवल कर चुके हैं। यहाँ पर नंबर जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, फास्टली चेंज होते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसा चलता है। तो इसका मतलब होता है 1 का मतलब होता है 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है, 2 का मतलब होता है 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है। तो ये इस तरह से ये मीटर्स को बताता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, और इसके जो आगे वाले डिजिट्स होते हैं वो बताते हैं किलोमीटर्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो रीडिंग थी वो थी 2100 किलोमीटर की ये रीडिंग दिखा रहा था, और यहां पर मैं इसको रेड पेन से बनाता हूं, और इस जगह पे रीडिंग चल रही थी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो रीडिंग ये बता रहा है उसका मतलब है 2100 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स, 2100 किलोमीटर एंड 200 मीटर, सही है, ये ऑडोमीटर की रीडिंग होगी। अब आपने जर्नी ट्रेवल की, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गए और 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहां पर इस मीटर के अंदर रीडिंग हो चुकी होगी 2500 N2। तो ये रीडिंग हो चुकी है 2500 किलोमीटर एंड 200 मीटर। देखो क्वेश्चंस जब भी आएंगे ना आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब भी मिलेंगे तो उसमें ये नहीं गिवन होगा 0.2, 0.3 ये वाली वैल्यूज नहीं गिवन होंगी। आपको सिर्फ ये बता रखा होगा कि पहले ऑडोमीटर के अंदर रीडिंग 2100 आ रही थी, अब ऑडोमीटर के अंदर रीडिंग जो आ रही है वो 2500 आ रही है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कैसे पता करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपको निकालना होगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ऑडोमीटर की रीडिंग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियली कितनी थी और फाइनली कितनी थी, दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करते ही आपको पता लग जाएगा कि आपने जो जर्नी ट्रेवल की है वो कितने किलोमीटर। तो इस तरह से ये ऑडोमीटर की रीडिंग को देखा जा सकता है। और स्पीडोमीटर जो है उसका मैंने आपको बता दिया, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। डिजिटल भी आते हैं आजकल और पहले एनालॉग भी आते हैं। जो पुराने मीटर्स हैं वो इस तरह के हैं जिसमें एनालॉग मीटर लगा होता है, यहां पर एक पॉइंटर लगा होता है और ये पॉइंटर इस जगह पर जीरो को बताता है। एक स्केल होता है इस जगह पे जहां पे लिखा होता है जीरो, फिर यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इस तरह से लिखा होता है, और यहां पर इसका स्केल बता रखा होता है किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्केल है। तो ये जीरो पर है। अब आपने कार को या बाइक को स्टार्ट किया तो वो जैसे ही आप उसको एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करने पर उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, ऐसा इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो स्पीड बताएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। ये जो स्पीडोमीटर है ये कैसी स्पीड बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा, रियल टाइम स्पीड भी बोल सकते हैं आप। ये पुरानी रीडिंग्स नहीं दे सकते, इस इंस्टेंट पे इस टाइम पर आपकी क्या स्पीड चल रही है ये उसको बताएगा। ओके, तो ये स्पीड और वेलोसिटी हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ओके, वो न्यूमेरिकल पहले मैं लिखता हूं, फिर उसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। उसमें दोनों चीजें पूछी जा रही हैं, स्पीड वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करके बताने हैं। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आप सॉल्व करके बताएं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये डिफरेंसेस है। The question is, Usha swims in 90 meter long pool. थोड़े मुश्किल questions भी करेंगे हम इसमें, अभी easy question करा रहा हूँ, starting है। Usha swims in 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. She covers 180 meter in
1 मिनट, एक मिनट में उसने 180 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर देन बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड then back along the same straight line तो दोबारा उसी स्ट्रेट लाइन पे ही आ जाते हैं. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. आपको इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है. फाइंड द average speed and average velocity. Average speed और average velocity दोनों ही find करने हैं. Okay. तो सबसे पहले हम लोग total distance traveled और total time taken निकाल लेते हैं. कितना time लगता है इसको. तो सबसे पहले मैं calculate कर रहा हूँ speed. देखो speed calculate करने के लिए case first solve कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या calculate करने वाले हैं. स्पीड कैलकुलेट करने वाले हैं. ओके. तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. देखो 90 मीटर लॉन्ग पुल है तो वो 180 मीटर के डिस्टेंस कैसे कवर करेगी. उसको क्या करना पड़ेगा. जैसे ये एक स्विमिंग पूल था. इस स्विमिंग पूल में इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है. वो यहां से स्विम करना स्टार्ट करेगी. ऐसा जाएगी फिर वापस किसी स्ट्रेट लाइन पे आएगी. तो 90 मीटर जाना और 90 मीटर वापस आना. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 180 मीटर. हो सकता है कभी कभार ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता. आपको सीधा बोल रखा होगा कि वो 90 मीटर लॉन्ग पुल में जा रही है और एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है फिर दूसरे एंड से वापस फर्स्ट एंड पे आती है. तो आपको बताना होगा इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो सकता. जरूरी नहीं है ये गिवन. उसके बाद में टोटल टाइम टेकन. कितना टाइम लग रहा है इसको. इसको टाइम लग रहा है 1 मिनट. 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड्स. 60 सेकेंड्स लग रहे हैं. तो इस केस में हम लोग इसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं. स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है 180 मीटर. टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन इज 60 सेकेंड. ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स पे. सो द स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी स्पीड आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड. ओके. अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी को. देखिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा. अब हम लोग के सेकेंड में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यह आपको लिखना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन. ओके. तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर. डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है और टाइम 60 सेकेंड लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट को 0 क्यों लिखा जा रहा है. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम पोजिशन पर हो तो डिस्प्लेसमेंट 0. क्योंकि ये जिस पॉइंट से चला लास्ट में वापस उसी पॉइंट पर आ गया. और अगर सेम पॉइंट पर आ गया तो इनिशियल फाइनल पोजिशन एक ही प्लेस पर है. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा. तो वेलोसिटी आएगी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड निकालते हैं तो स्पीड तो आती है 3 मीटर पर सेकेंड. और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी आती है 0 मीटर पर सेकेंड. ओके. ये तो था सिंपल क्वेश्चन. अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. आप सॉल्व करके बताएंगे. अभी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं. इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं कि कौन सी ट्रेन फास्ट चल रही है कौन सी ट्रेन स्लो चल रही है. उसके कंपैरिजन को हम लोग देखते हैं. ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस. क्वेश्चन लिखता हूं पहले मैं. हैंड रेज कर दो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको और इसका आंसर. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन.
इसमें पहले हम एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन स्टडी करते ही फिर टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ट्रेन ए ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। क्वेश्चन, ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ a distance of 300 kilometers, not 300, 120 kilometers in 3 hours. 120 kilometer ki distance travel ki ja rahi hai 3 hours. Ab iske baad isme given hai train B ka. Train B traveled a distance of 180 kilometers in 4 hours. Train B traveled a distance of 180 kilometers in 4 hours. तो दोनों ट्रेन के बारे में आपको बता दिया कौन कितने डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है। Which train traveled faster? Which train traveled faster? कौन सी ट्रेन ने फास्ट ट्रेवल किया, जल्दी ट्रेवल किया, मतलब कि डिस्टेंस को जल्दी से कवर कर दिया। तो इसको बताने के लिए आपको दोनों की स्पीड बतानी पड़ेगी। तो स्पीड बताते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रेन ए के लिए लिखते हैं। ट्रेन ए के लिए लिख रहे हैं तो इस केस में हम लोग इसकी स्पीड बताते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर और ये जो स्पीड और वेलोसिटी होती है इसको किससे लिखा जाता है, इसको वी से लिखा जाता है। स्पीड को आप स्पीड ऐसा वर्ड भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको वी से लिख सकते हैं। देखिए हायर क्लासेस में हम ये पढ़ते हैं कि जो स्पीड है उसको वी से लिखा जाता है और जो वेलोसिटी होती है उसके ऊपर एक एरो का सिंबल लगा देते हैं, मतलब कि स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इसी को तो क्या बोला जाता है, इसी को तो वेलोसिटी बोला जाता है। लेकिन अभी नाइन्थ क्लास में हम वेक्टर फॉर्म को, इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म को स्टडी नहीं करते हैं, तो हम लोग वेलोसिटी वी को लिखेंगे और स्पीड को भी वी से ही लिख सकते हैं। दोनों को V से लिखा जाएगा, 120 किलोमीटर और, लेकिन उसमें डायरेक्शन बताएंगे ना, वेलोसिटी की अगर लिखेंगे तो साथ में डायरेक्शन भी बताएंगे। इसमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है 3 आवर्स में, सो दिस विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है ट्रेन ए। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ट्रेन बी के लिए। ट्रेन बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन बी जो है वो 180 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में ये ट्रेवल कर रही है, ये कैंसिल हो जाएगा, 45 के टेबल में आता है ये 180। सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये देख करके डिसाइड नहीं करना होगा कि इसने तो 120 किलोमीटर चले तब ये स्लो चल रही होगी, इसने 180 किलोमीटर चले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की तो फास्ट चल रही होगी। नहीं, इसमें आपको टाइम भी तो देखना पड़ेगा, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पर हम लोग इसको बता सकते हैं। डायरेक्टली हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सी ट्रेन फास्ट चल रही है, कौन सी ट्रेन स्लो चल रही है। देखो इसमें हमने गड़बड़ की, क्या गड़बड़ की है ये कैलकुलेशन में देखो, 120, ये 120 था, इसको 180 समझ करके डिवाइड किया, यहाँ पर 3 और आ रहा था, 120 डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये तो 40 आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब देखो, अब कंपैरिजन कीजिए, तो ट्रेन ए जो है उसकी स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रेन बी है ये एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है 45 पे और इसकी स्पीड आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, hence train B is faster than train A. तो train B जो होगी train A से fast चलेगी, okay, इसकी जो speed है वो 40 किलोमीटर पर आवर आएगी, ये 45 किलोमीटर पर आएगी। hand raise कर दो, समझ आ गया ये numericals कैसे solve होते हैं, आसान है ये numericals, इजी है, ओके।
कल हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स प्लस स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स, दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी को बुक में जो दे रखे हैं उसको डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 8 की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।